दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं जिन्होंने गाना गाया था बियर पी के नाचे छम छम छम, उसके अंदर भी तो उसने कुछ भगवाई पहना हुआ है, उससे उनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही। यकीन मानिए, ये पहले जो है इन्होंने गाय भैंसों में भी भेद किया था, जानवरों के अंदर में भी भेद किया, और अब रंगों में भेद कर दिया। हीरोइन को दिखा के कि उसने उस प्रकार का जो रंग पहना पहनी हुई है, इसका विरोध कीजिए। विरोध के उत्तर में जितने भी नॉन आरएसएस वाले लोग हैं उनका खून उबाल मार रहा है। नहीं नहीं, तो हम भी पठान मूवी देखेंगे, उसका परिणाम क्या होगा, वो मूवी 500 करोड़ कमा जाएगी। मीडिया वाले को फायदा पहुंचाना चाहते हैं जिसने मूवी बनाई है, और इनका एक ही मकसद है। ये मकसद तो ये है कि ये एक हीरोइन को दिखा के कि उसने उस प्रकार का जो रंग पहना पहनी हुई है, इसका विरोध कीजिए। विरोध के उत्तर में जितने भी नॉन आरएसएस वाले लोग हैं उनका खून उबाल मार रहा है। नहीं नहीं, अब तो हम भी पठान मूवी देखेंगे, उसका परिणाम क्या होगा, वो मूवी 500 करोड़ कमा जाएगी। सुनिए, 500 करोड़ कमा जाएगी, और उस 500 करोड़ में से 450 से ज़्यादा करोड़ रुपये इनकी अपनी झोली में जाएंगे, अपनी पॉकेट में जाएंगे, और उससे इनको फायदा ही फायदा होगा। मतलब भगवा बिकनी बहाना है, निशाना कहीं और है। नहीं नहीं, ये तो मुद्दा बनाना है। मुद्दा ये देखिए, ये मुद्दा बनाना है, मुद्दा बना के तभी ये भावनाओं से खेल के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, वो न्यूज चैनल एक पत्रकार की बात करता है कि ये पत्रकार जो है भारत का सबसे बड़ा पत्रकार है, परंतु उस पत्रकार को दिखा के जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रणव राय है उसको फायदा पहुँचाया जाता है, आरएसएस को फायदा पहुँचाया जाता है। उसी प्रकार इस मूवी में शाहरुख खान को टारगेट करके प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से उनके अपने लोगों को फायदा पहुंचाना है। अब ये देखिए कि रंग की जो बात है, इस पूरी दुनिया में कभी आपने ऐसा सुना कि हरे रंग में और भगवा रंग के कारण वहां पर जो है मुद्दे को ऊपर केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं, सरकार बोल रहे हैं? अरे इतना वो है ना कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, और ये आज सुबह की बात है। तो वो कहानी हो गई कि जो इनके मंत्री संतरी जो भी मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, मेरे लिए तो वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा जो है उससे नजरें चुरा। अन्य सांसद प्रज्ञा ठाकुर कह रही है जो इस मूवी को देखेगा वो सच्चा हिंदू नहीं है। देखिए, वो उनके कहने से क्या, माननीय प्रज्ञा ठाकुर जी तो वो हैं जिनके आरोपों के ऊपर अगर हम बात कर लें तो हम पे भी ये टाडा नासा मखोखा लगा दें। जानते हो ना आप किसका नाम ले रहे हो? और अगर उसके हिसाब से देश चलाना है तो देश तो ऐसे ही चलेगा फिर जैसे सीरिया में चलता, अफगानिस्तान में चलता है, पाकिस्तान में चलता है। मुझे आप ये बात बताइए, क्या आज हमारे पास डिबेट के लिए, मुद्दों के लिए सिर्फ एक रंग का मुद्दा है? चाइना के साथ लड़ाई हो रही है और आरएसएस वाले चाइना घूम के आते हैं और ये बताते हैं कि किस प्रकार लड़ाई लड़नी है। आप ये देखिए कि भारत की सीमाओं के अंदर तक चाइना ने आपको मुद्दा नजर नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं भगवा रंग के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है देश में। अरे भगवा रंग उनका थोड़ी है, किनका है भगवा रंग? वो बिकनी हरे रंग की भी तो हो सकती थी, डायरेक्टर ने कहा जा रहा जान पूछ के क्या। तो फिर तो इनके एक दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं जिन्होंने गाना गाया था कि बियर पी के नाचे छम छम छम, उसके अंदर भी तो उसने कुछ भगवाई पहना हुआ है, उससे उनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही। उसके अलावा बहुत सारी हीरोइन ऐसी है, ये पहली बार थोड़ी है कि पहली है। देखिए, अरे हम सुने, आप नहीं, मेरी बात सुनिए, ये मुद्दा सिर्फ बिकनी का या भगवा का नहीं है, ये मुद्दा है कि साउथ में फिल्में बन रही हैं, बाबा साहब के ऊपर बन रही हैं, अनुसूचित जाति के ऊपर बन रही हैं, बुद्ध के ऊपर बन रही है, 500 करोड़ कमा रही हैं, इनकी एक पैसा एक रुपया नहीं कमा रही। तो ये जानबूझ के पक्ष और विपक्ष क्रिएट करके, ये शाहरुख खान का विरोध नहीं कर रहे, ये चाहते हैं कि जितने भी नॉन आरएसएस वाले हैं सब मूवी देखें, जिससे कि इनका सिनेमा में दो पैसे फालतू मिल जाएं। लेकिन हमें नहीं करना, भैया लड़ते रहो रंग के पास। लोगों ने तो टिकट बुक करवा लिया अभी से ही। नहीं, जिन्होंने कराए हैं तो वो हमेशा उनकी बात करेगा। मैं टिकट बुक कराऊंगा तो मैं बुक कराऊंगा जो साउथ की फिल्में हैं, रंजीत पा की फिल्में हैं, भगवान बुद्ध की फिल्में हैं, बाबा साहब की फिल्में हैं, पेरियार की फिल्में हैं, मैं उन फिल्मों को देखूंगा जिसके अंदर आज दबे कुचले समाज को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। मुद्दे बनाकर किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? नहीं, ये देखिए, मैंने आपको तीन चीज बताई। पहला, मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना, दूसरा कि हिंदू मुस्लिम की बात करना, और तीसरा जो सांस्कृतिक लड़ाई है। आज आप ये देखिए कि साउथ की मूवी जो है वो अनुसूचित जाति की भी बात कर रही है, शूद्रों की भी बात कर रही है, बाबा साहब की बात कर रही है, जातिवाद ना, ज्यादा है साउथ में। नहीं, साउथ में जाति लेकिन वो दिखा रहे हैं ना कुल के, वो जातिवाद को दिखा रहे हैं। सरपाटा वो बनाते हैं, जय भीम वो बनाते हैं, और मिशन जय भीम की बात वो करते हैं, तो वो मूवियाँ चल रही हैं। अब इनके पास तो आशिकी को लेकर और कपड़ों को लेकर और कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। अब जब इनके पास मुद्दा मांगते हैं वो नंगता है उस गाने में।
नहीं, मुझे नहीं पता ना, मैंने देखी ना ही, मैं उनके पक्ष की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि साउथ की मूवियाँ जो इस वक्त पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया के अंदर कहट आ रही हैं, उन मूवियों को दबाने के लिए इनका ये आंतरिक षड्यंत्र है कि भाई ये जो आज, अरे अगर आपका विरोध, साउथ की रिमिक्स बनाता बॉलीवुड फिर भी नहीं चलती ना, देखिए। नहीं, वो क्यों चलेगी, आप रिमिक्स बनाओगे तो इन्हें लाके खड़ा कर दोगे। साउथ के अंदर ये बिकनी बिकनी कॉन्सेप्ट नहीं है। साउथ के अंदर अगर मूवी चलेगी तो अपर क्लास के खिलाफ जो फाइट हो रही है उसके खिलाफ चलेगी, ठीक है। यहाँ आज वो नहीं, हर फिल्म वहां पर आशिकी से शुरू होकर आशिकी पे खत्म नहीं हो रही। और जब आप इस बारे में बात करते हैं कि नहीं मैंने टिकट बुक कराया, मैं आपको एक बात बता दूं, बाबा साहब को मानने वाला है, संविधान को मानने वाला कोई भी व्यक्ति इन इस डिबेट में नहीं पड़ रहा ना, वो उसके पास 500 रुपये फिल्म देखने के लिए नहीं है, उसके पास जो इतना अंधा पैसा नहीं है कि एक आदमी बोले और पूरी मीडिया बोले और हम जाके फिल्म देखने चले जाए। आपके मुद्दे में बोलते तो आप क्यों डरते हैं उनके मुद्दे में बोलने से? नहीं, हम क्यों डरेंगे? सुनो, अरे आप मुझसे बात करिए ना, संविधान की बात करिए, मुझसे भारत चाइना की बात करिए, मुझसे जातिवाद की बात करिए, मुझसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बात करिए, मुझसे की बात करिए, मुझसे वीमन रिप्रेजेंटेशन की बात करिए, मुझसे शेड्यूल कास्ट प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात करिए, मुझसे भूख की बात करिए, मुझसे बलात्कार की बात करिए, परंतु आप जब भगवा मुद्दे को लेके चाहते हैं कि मैं आपके मुद्दे पे बोलूं, तो आज वो दिन नहीं है कि आपके मुद्दों पे हम बोलेंगे। हमारे अपने मुद्दे अलग थे। सेंसर बोर्ड बड़ा है या आंदोलन करने वाले भगवा संगठन बड़े हैं? देखिए, सेंसर बोर्ड भी उन्हीं का, सेंसर बोर्ड भी उन्हीं का। अगर सेंसर बोर्ड ने कोई या एक, भारत का जो सेंसर बोर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बात करता है। आप ये देखिए कि कोई मूवी, कोई गाना, सांस्कृतिक जो भी लड़ाई है, उस सांस्कृतिक लड़ाई में वो उन चीज़ों को तो काट देता जिससे रेवोल्यूशन आए, परंतु उन सभी चीज़ों को डाल देता जो उनके आका बोलते हैं, ठीक है। अब जो आप कहते हो कि आंदोलनकारी और फलाना ढिमकाना, अरे भाई फिल्मों पर ही आंदोलन करोगे? कभी भूख, बेरोजगारी, संविधानवाद और हमारे मुद्दों पर आंदोलन करो तो हम भी आपके साथ आ जाएंगे। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये हमारी लड़ाई नहीं है, मुझे इस पर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। हमारी जो वैचारिक लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है। अब मैं बस आपको क्लियर ये बात बता रहा हूँ कि साउथ की मूवी जो सामाजिक क्रांति पर बन रही हैं, उन मूवी का इनके पास तोड़ नहीं आ रहा। तो कभी तो ये कुछ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, अगर ये आमिर खान की वो फिल्म थी ना पीके, ये पीके फिल्म में आमिर खान का विरोध करके भी उन्हें हजारों करोड़ कमवा देते हैं। उसी प्रकार जो है ये जो चड्डा जो थी, ये भी इसमें भी आमिर खान का विरोध करके वो पैसे कमवा देते हैं। वही कहानी अब है कि विरोध का भी विरोध हुआ। नहीं नहीं, वो तो इनका मैं बताऊँ ना, ये जिस फिल्म में कोई भी मैसेज ना हो, जिस फिल्म की कोई बात ना करे, ये उसको डिस्प्यूटेड करके उसको चलवाना चाहते हैं। यही बस इनकी कहना चाहते हैं, जनता को गुमराह किया जा रहा है, सबको, जनता को गुमराह किया जा रहा है। जनता को रियल पिक्चर देखिए, मैंने क्या कहा, ये इनकी नूरा कुश्ती है। एक तरफ सलमान खान को रखेंगे, एक तरफ शाहरुख खान को रखेंगे, एक तरफ आमिर खान को रखेंगे, लेकिन उन तीनों को रख के उन्हें मुस्लिम दिखा के उन्हीं के प्रोड्यूसरों को, उन्हीं की जो कंपनियां हैं, उन्हें पैसे कमवाएंगे। मतलब भगवा रंग को बेशरम रंग कहा जा रहा है, तो आपको फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, देखिए हमें रंगों की लड़ाई तो है ही नहीं। आप वैसे तो भगवान बुद्ध का चीवर है, वो भी जो है वो गेरुए कलर का ही है, परंतु वो भगवा नहीं है, ठीक है। जो भगवा कलर है, आप चाहे रंगों का राजनीतिकरण कर लें, आप करते रहिए, परंतु हमारी लड़ाई ये नहीं है। हमारी लड़ाई, आप कोई सा भी रंग दिखा दो, हमें कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ों से। हाँ, परंतु मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि इनके जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से हमें कोई सरोकार नहीं है। वरना मुझे तो लग रहा था कि आप बेरोजगारी की बात करोगे, महंगाई की बात करोगे, भारत चीन मुद्दे की बात करोगे, और जातिवाद की बात करोगे, रेप की बात करोगे, विकास की बात करोगे, परंतु पता नहीं आपने आज मुझसे एक सवाल ऐसा पूछ लिया। मैं तो पहले ये सोचता था कि पहले इन्होंने इंसानों में जाति भेद किया, उसके बाद जानवरों में जाति भेद किया, और अब इन्होंने रंगों में जाति भेद कर दिया। तो जिस मूवी की आप बात कर रहे हो, खैर मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे लिए जो मेरा प्रमुख मुद्दा है वो मूवी ना होके इस भारत का संपूर्ण विकास है। जिस रंग का अपमान हो रहा है तो वो उनकी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी हो सकती है। अगर रंगों से ही अपमान है तो सेंसर बोर्ड जो है इंडिया का, उसे बंद कर दे और कह दे कि इस रंग का जो है इस्तेमाल ना हो। कोई भी कुकुर मुद्दा किसी भी बात पे किसी भी मुद्दे को जो है मुद्दा बना देता, ये भी हमारे लिए भी एक शर्म की बात है। दूसरी बात, सेंसर बोर्ड क्या मर गया है? जो सेंसर बोर्ड डिसाइड करेगा कि इस ये मुद्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो ये लोग हैं जो आज इस रंग को मुद्दा बना रहे हैं, यकीन मानिए, ये पहले जो है इन्होंने गाय भैंसों में भी भेद किया था, जानवरों के अंदर में भी भेद किया, और अब रंगों में भेद कर दिया। और सबसे सबसे आश्चर्यजनक बात देखिए,
कि हम लोग इस मुद्दे का सहभागी बन चुके हैं कि भाई क्या इस रंग के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए मूवी इनकी।